हेलो दोस्तों, वृत्त यानी सर्कल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने असमान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां यानी अनइक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर पर चर्चा की। आज हम आगे बढ़ते हुए समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां यानी इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक वृत्त बनाइए जिसका केंद्र O है और उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अब हम उसमें दो जीवाएं PQ और XY बनाते हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो अब हम इन दोनों जीवाओं की केंद्र से दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं? यह जीवाएं बराबर नहीं हैं। हम जानते हैं कि जीवा की लंबाई जितनी अधिक होती है उसकी केंद्र से दूरी उतनी ही कम होती है, यानी जीवा PQ केंद्र से अधिक दूरी पर है जीवा XY की तुलना में। हम केंद्र से इन दोनों जीवाओं पर लंब बनाकर इसकी जांच कर सकते हैं। पर दोस्तों, यदि हम बराबर जीवाएं खींचे तो इन जीवाओं की केंद्र से दूरी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? हम जानते हैं कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। लेकिन क्या केंद्र से इनकी दूरी भी बराबर होगी? जी हाँ दोस्तों, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। आइए इसे बेहतर समझने के लिए हम इस वृत्त में एक और जीवा AB खींचते हैं जिसकी लंबाई PQ के बराबर यानी 8 सेंटीमीटर हो और केंद्र O से जीवा AB पर एक लंब OE खींचिए। स्केल की सहायता से आप OE का माप ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं कि OT और OE की लंबाई बराबर है और इन दोनों जीवाओं PQ और AB की लंबाई बराबर है, तो उनकी केंद्र से दूरी भी बराबर है, यानी OT और OE बराबर हैं। इस प्रकार आप जीवा XY के बराबर एक जीवा LK बनाइए और इस पर भी केंद्र से एक लंब OF खींचिए। दोस्तों, क्या OF और OZ भी बराबर होंगे? जी हाँ, आप देख सकते हैं कि OF और OZ भी बराबर हैं। तो इस प्रकार हमने सत्यापित किया कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। दोस्तों, क्या यह कथन तब भी सत्य होगा जब यह दोनों बराबर जीवाएं दो सर्वांग समवृत्तों में बनी हो? आइए हम इसकी जांच कर लेते हैं। अब हम इसी वृत्त के सर्वांग सम यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक और वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र O' है। अब जीवा PQ जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है के बराबर जीवा इस वृत्त में भी खींचते हैं जिसे हम RS कहते हैं। मान लीजिए केंद्र O' से खींचा गया रेखाखंड O'G जीवा RS पर एक लंब है, यानी O'G जीवा RS की केंद्र O' से दूरी है। यहाँ हम इन सर्वांगसम वृत्तों में बनी इन दोनों जीवाओं PQ और RS की केंद्र से दूरी की तुलना करनी है। दोस्तों, अब स्केल की सहायता से O'G की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं कि O'G की लंबाई OT और OE के बराबर है और
यह तीनों जीवाएं जीवा आर एस, पी क्यू और ए बी बराबर हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। दोस्तों, यह एक प्रमेय है जो कहता है कि किसी वृत्त की या कह ले सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। दोस्तों, क्या इस प्रमेय का विलोम भी सत्य होगा? यानी यदि मैं कहूं कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित जीवाएं लंबाई में समान होती हैं, तो क्या यह सत्य है? चलिए एक ओ केंद्र वाला वृत्त खींचिए जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। अब वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले 3 रेखाखंड OP, OQ और OR खींचिए। अब क्रमशः 3 जीवाएं AB, CD और EF खींचिए, जो क्रमशः OP, OQ और OR पर लंब हो। अब आपको इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। दोस्तों, क्या यह तीनों जीवाएं बराबर होंगी? आप स्केल की सहायता से इनकी लंबाइयां ज्ञात कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यह तीनों जीवाएं बराबर हैं, यानी यह कथन सत्य है। आप अपने सहपाठियों के साथ मिलकर इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं और आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। इस प्रकार हमने इस प्रमेय का विलोम भी सिद्ध किया। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां यानी इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर पर चर्चा की। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।